हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गन्ने का जूस, वो भी बिना गन्ने के। देखने में तो ये गन्ने के जूस के जैसा दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन टेस्ट में भी ये एकदम गन्ने के जूस के जैसा है। जब भी आप नींबू पानी पीकर बोर हो गए हैं, आप कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं करना चाहते, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप गुड़। तो मैंने आधा कप गुड़ ले लिया है। अब हम इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये आसानी से कट जाएगा। तो ऐसे हम इसको चॉप कर लेंगे, ताकि जब हम इसको पानी के साथ ब्लेंड करें तो ये आसानी से घुल जाए। जो गुड़ होता है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी है। इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब हम इसको ठंडे पानी के साथ ब्लेंड करेंगे, इसमें पुदीना ऐड करेंगे, तो ये हमें काफ़ी ठंडक देगा। तो ये सारे गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे ये 10 से 12 पुदीना के पत्ते। पुदीना हमें थोड़ा सा ज्यादा डालना है। फिर हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 नींबू के रस की बूंदे। नींबू का रस हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस कुछ बूंदे हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर इसमें डाल देंगे 1 गिलास ठंडा पानी और अब इसे 2 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे हमें 2 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से पानी में घुल जाए। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास ठंडा पानी। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो एक ग्लास में डाल देंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स। और फिर इसमें जूस को पोर कर देंगे। देखने में तो ये गन्ने के जूस के जैसा दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन टेस्ट में भी ये एकदम गन्ने के जूस के जैसा है। तो ये हमारा बहुत ही कूल, रिफ्रेशिंग, बहुत ही ठंडा सा गन्ने का जूस बनके तैयार है, जिसे हमने आसानी से घर पर बना लिया, वो भी बिना गन्ने के। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।